गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। देखिए दोस्तों, मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि केके टेक्निकल दुबई ये चैनल जो है ये बहुत आप लोग का फ़ायदा के लिए है। बहुत सारे आदमी को इसका फ़ायदा मिल चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक वीडियो देखने के बाद वो लोग को यहाँ के बारे में हर चीज़ पता हो गया, कंपनी के बारे में, कब कंपनी कहाँ इंटरव्यू कर रहा है, कौन सा कंपनी कैसा है, कौन सा कंपनी में किस टाइप का इंटरव्यू होता है, क्या क्वेश्चन आता है उसमें, और उसका साथ साथ में आंसर भी हम बता के देता है। जिस वजह से आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आपका जो टैलेंट है, जो एक्सपीरियंस है, वो डबल हो जाता है। तो कोई भी इंटरव्यू में आप लोग फेस करता है तो वो इंटरव्यू आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करता है। वो क्लाइंट आपको अच्छा सैलरी, अच्छा पोस्ट में लेकर आता है। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोग को, जितना भी हमारा एशिया का बंदा लोग मेरा चैनल देख रहा है, मेरा वीडियो देख रहा है, तो आप लोग इसमें कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जरूर एक ना एक दिन आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे बंदा लोग को मिल चुका है और मेरा कमेंट में जाके देख सकता है। बहुत सारा आदमी यही लिखा है कि आपका चैनल का, आपका वीडियो देखने के बाद हमको इंटरव्यू आसानी से पास हुआ है। अच्छे होंगे, लेकिन मैं ठीक ठाक नहीं हूँ। मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, गला बैठ गया है, तो सर्दी वजह से थोड़ा कूल, रात में कूल वाटर थोड़ा ज़्यादा पी लिया। तो चलिए ठीक है, फिर भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकता है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके समझ लेगा। मेरा वॉइस क्लियर नहीं है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये बेसमेंट लेवल का एक संपीट है। संपीट में क्या होता है, संपम्प रहता है। संपम्प क्या करता है कि बेसमेंट का जितना भी पाइपलाइन है ये संपीट का साथ जुड़ा रहता है। क्यों? बेसमेंट से तो पानी ग्रेविट प्रेशर या स्लोप देके हम तो बाहर नहीं भेज सकते ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट नीचे होता है और संपम्प कभी भी बेसमेंट में ही होएगा। सही है, संपम्प कभी भी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर कभी भी किधर भी नहीं होता है। हमेशा संपीट जो होता है बेसमेंट लेवल पे होता है। बेसमेंट वन में होता है, टू में होता है, थ्री में होता है, मतलब जितना भी बेसमेंट है आपको वहाँ संपम्प मिलेगा। सही है, ये भी एक बेसमेंट में ये संपीट है। इसका अंदर में ये जो कवर दिख रहा है, कवर खोलेगा तो इसका अंदर संपम्प आपको दिखने के लिए मिलेगा। सही है, इधर मैं बगल में फोटो करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कैसा है। लेकिन ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसके लिए दिखा रहा हूँ कि एक दोस्त हमारा जो वीडियो है उसमें समझने आया और बोला था कि संपम्प हमेशा बेसमेंट में होता है। और ये आप कहाँ से दिखाया, मैं जो दिखाया था वो वीडियो में वो कौन सा है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सही है, तो ये आप समझ लीजिए कि संपम्प हमारा बेसमेंट में और लेवल में होता है। किसमें? ग्राउंड लेवल में। जैसे बेसमेंट हो गया, उसका जो फ्लोर है फ्लोर लेवल में ही रहता है, समझ रहा है। इसका जो पंप है, दोनों ये पंप, इसका जो पानी आएगा, जितना सारे पानी बेसमेंट में तो बहुत सारे रूम होता है ना, रूम का एसी का भी ड्रेन वाटर होगा, किधर धोने के लिए क्लीनिंग एरिया होगा उसका भी पानी इसमें आएगा, किधर पेंट्री होगा उसका भी पानी इसमें आएगा। सही है, तो अगल बगल में जो होगा सब इसमें ही आएगा। तो इसका पानी कैसे बाहर जाएगा, ये ग्रेविटी प्रेशर में या स्लोप देके हम लोग नहीं भेज सकते। इसको पंप का थ्रू हम लोग ग्राउंड फ्लोर में भेज सकता है और उसका बाद में हम लोग जिधर ड्रेन है उधर हम लोग छोड़ सकते हैं। सही है, तो चलिए अभी मैं जो वीडियो दिखाया था उनको क्यों समझ नहीं आया कि संपम्प वो कैसा जगह पे, वो दूसरा एक जगह पे है, उसका बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा वीडियो में। कंटिन्यू देखते रहिए। जी दोस्तों, मैं जो दिखाने के लिए आप लोग को बोल रहा था वो ये है। ये एक छोटा रूम है, आप लोग को मैंने दिखा डोर, इसका क्या लिखा था टी रूम। तो ये टी रूम में क्या है कि बेसमेंट लेवल में एक छोटा छोटा रूम कई कई जगह पे होता है। सही है, जहाँ पंप जो संपीट है वो ज़्यादा दूर रहता है। तो यहाँ क्या करता है, आदमी इधर आएगा, चाय बनाएगा या पानी पिएगा या कुछ भी प्लेट धोने के लिए आएगा, तो इधर जो सिंक लगा गया है इसका जो पानी है वो पानी कहाँ जाएगा, अगल बगल में तो संपीट नहीं है और उसका बाद में इधर ग्राउंड फ्लोर नहीं है कि पाइपलाइन सीधा बाहर छोड़ सकता है। सही है ना, वेस्ट टैंकी में, ये बेसमेंट लेवल पे है। सही है, तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए सेपरेट एक पंप लगाता है। सही है, सेपरेट एक, ये जो देखो ये जो किचन का जो कैबिनेट है नीचे, इसके अंदर में जो सॉरी क्या ये जो पेंट्री है उसका सिंक का नीचे जो टेबल है उसका काउंटर का नीचे एक डोर आप लोग को दिख रहा है। तो इसमें क्या है, संपम्प है। सही है, ये संपम्प कैसा है, ये एक ऐसा जो है एक छोटा टैंकी, वाटर टैंकी जैसा एक छोटा टैंकी इधर बैठा के रखा गया है कि ये टैंकी का काम क्या है, ये जो ड्रेन वाटर है ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो सिंक है सिंक का वेस्ट पाइप इसमें कनेक्शन है वाटर ट्रैप का थ्रू, और ये पानी ये टैंकी के अंदर रहता है। सही है, ये टैंकी के अंदर स्टोर होगा। और इसमें दो फ्लोर स्विच है, इसका केबल आप लोग देख सकते हैं,
ये मैं अभी नहीं खोल सकता है, पूरा पाइपलाइन खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, समझिए। ये टैंकी में आने वाला पानी सही है, मतलब सॉरी ये जो हम लोग यूज करेंगे इधर टैप खोल के जो धोएंगे, जो भी कपलेट धोएंगे, हाथ धोएंगे, तो इसका पानी इसमें आएगा, इसमें स्टोर होगा। जब ये लेवल तक आएगा, मतलब टैंकी भरने से पहले, इसका जो फ्लोट स्विच है वो एक्टिव हो जाएगा। दोनों सम्प इसमें है, छोटा छोटा सम्प सही है। तो इसमें क्या होगा, ये जो आउटपुट है उसका आउटलेट, इसमें जब वो चालू हो जाएगा, इसमें हमारा पानी सीधा चला जाएगा बाहर। किधर जाएगा, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर में जो पाइपलाइन है उसमें जाकर कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर से बाहर पानी चला जाएगा सही है। तो इसका साथ में एक एनआरबी भी लगा कर रखा है, ये एनआरबी रखा है इसके लिए कि कभी भी पानी वापस पीछे ना आए, कि ऊपर चढ़ने का, जैसे ग्राउंड फ्लोर ऊपर है, बेसमेंट नीचे है, तो पानी जब ये पंप बंद हो जाएगा, पानी रिटर्न भाग जाएगा, मतलब इधर वापस आएगा, तो इसके लिए एक एनआरबी दिया गया है सही है। तो मेरा बोलने का है कि यही वीडियो में दिखाया था, जो उनको समझ में आया कि वो सोचा कि ये जो रूम है, रूम का अंदर कैसे संपिंड है सही है। तो कई कई जगह पे ऐसा लगा जाता है जहाँ संपिंड, जो फ्लोर लेवल में जो संपिंड होता है, अगल बगल नहीं रहता है, तो ये छोटा छोटा चीज के लिए, मतलब एक छोटा पेंट्री हो गया तो कम पानी यूज होगा, उसके लिए छोटा टैंकी लगाता है, उसका अंदर दो संपम्प लगाता है। तो ये संपम्प के लिए इधर आप लोग देख सकता है, ये उसका कंट्रोल पैनल है सही है। ये कंट्रोल पैनल है, इसमें दो वोल्टामीटर, एक सॉरी दो एम्पियर मीटर, एक वोल्टामीटर है, और ये पंप भी हमारा अभी रनिंग में है, मतलब ऑटो में है, सब ऑन में है। जब भी ये पानी यूज करेगा कोई भी बंदा, पानी इधर आके प्लेट धोएगा, हाथ धोएगा, कप धोएगा, जो भी ये टी रूम है, तो कुछ ना कुछ यूज करेगा, तो वो पानी जब उसमें जाएगा, वो टैंकी में, वो टैंकी जब फुल होगा, मतलब फुल होने से पहले, उसमें चार फ्लोट स्विच है सही है, दो संपम्प है और चार फ्लोट स्विच है, तो वो एक्टिव होएगा, फिर हमारा पंप चालू हो जाएगा सही है। तो यही मैं दिखाया था उनको, ये उसका कंट्रोल पैनल है और सब ऑटो मोड में है, जब इसमें पानी होगा तब ये चालू होगा, तब तक वो चालू नहीं होगा सही है। तो ये एक छोटा रूम है, जैसे बंदा लोग कुछ चाय या कुछ नाश्ता करने के लिए या कुछ प्लेट धोने के लिए इधर आएगा तो इसको वो यूज करेगा सही है। मतलब ये एक संपिंट है और वो एक संपिंट है, ये टैंकी है और वो नीचे फ्लोर में है सही है, इतना ही फर्क है। तो चलिए ये छोटा सा वीडियो में यही आपको समझाने के लिए कोशिश किया कि हर जगह को लेकर, हर जगह का सिचुएशन लेकर, उसी जगह पे वो हिसाब से प्लानिंग होता है, इधर कैसा काम होगा सही है। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो आपको जानकारी वाला वीडियो मिलने का साथ साथ में पूरा गल्फ कंट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर, प्लस कौन सा कंपनी कैसा है, वो हर चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा इस चैनल थ्रू। थैंक यू सो मच।